नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार और किसानों के बीच आज एक बार फिर होगी बात। पिछले 8 दौर की हो चुकी वार्ता से नहीं निकला था कोई समाधान। किसानों के साथ वार्ता से पहले बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून वापसी को छोड़कर कोई और प्रस्ताव दे किसान, सरकार करेगी विचार। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का धर्मतल्ला चलो अभियान। केंद्र सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस बोलेगी हल्ला। लोगों को और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छाएगा घना कोहरा, पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, आज फिर से हो सकती है दिल्ली में बारिश। देश के 700 से ज्यादा जिलों में आज वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन। सभी जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। बर्ड फ्लू की आशंका में हाई अलर्ट पर दिल्ली, बनाई गई रैपिड रिस्पॉन्स टीमें, परिंदों पर रखी जाएगी नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमटे स्मिथ का 27वां शतक। पीफाइजर की वैक्सीन लगवाने के 16 दिन बाद स्वास्थ्य हुए डॉक्टर ने गवाई जान, पत्नी ने टीके को ठहराया जिम्मेदार, सरकार से की जांच की मांग। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल